फ्रेंड्स, मैं डोबरमैन डॉग ऑफिसर जीवाराम देवड़ा और आज आपके बीच में आया हूँ कि सबको मेरी पहचान भी बता दूँ। मैं ही डोबरमैन डॉग ऑफिसर को चलाता हूँ और बच्चे सेल भी करता हूँ। तो अभी हमारे डॉग का खाना बन रहा है, तो मैं क्या कि लोगों के साथ में आ जाऊँ। और अभी मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है और डॉग बहुत ही सुस्त रहते हैं और आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। और आपके YouTube से मुझे बहुत ही प्यार मिला है और मेरा बच्चा ऑल इंडिया के हर डिलीवरी में जाता है, ऑल इंडिया के हर कोने में। अभी मैंने कल ही परसों ही बच्चा पहुँचाया हरियाणा, जो डॉग के हेयर रिलेशन में वो अपने हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। तो उनको कल मेरा डॉगी मिला और आज मौसम बहुत ही ख़राब है, तो मौसम की कंडीशन बहुत ही गीला हो रहा है और बारिश, जहाँ डॉग खेलते हैं वहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है और बारिश फुल इतना आ रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है बस। और हमारे डॉग, इनको मैं बाहर भी नहीं निकाल रहा हूँ, थोड़ा बहुत घुमाने फिराने के बाद वापस ही अपने केज में बैठ जाते हैं। ये हमारा डॉलर है, देख सकते हो, बारिश में बहुत ही सुस्त है। और ये हमारी फ्रूटी, इसने भी अभी खाना नहीं खाया है, इसको खाना दिया था। और ये हमारा हैप्पी और नैन्सी, ये सुस्ती में सो रहे हैं, बढ़िया आराम से रेस्ट कर रहे हैं। अभी इनको मैं बाहर निकालूंगा तो ये कीचड़ से पूरे पिंजरे को ख़राब कर देंगे, कीचड़ से पिंजरे की पूरी बैंड वगैरह लेंगे और फिर कीचड़ से ये पिंजरा गीला हो जाएगा, तो इनको बैठने में बहुत ही परेशानी होगी। बारिश में बहुत ही दिक्कत आती है डॉग को रखने की, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और गंदगी के कारण मक्खियाँ होती है, तो बहुत ही परेशानी आती है। अभी इसमें सूखी जगह यहाँ पे पिंजरों में है और ऊपर से मैंने तिरपाल ढक रखा है और उसके ऊपर सीमेंट का चादर लगा रखा है। तो अभी कैनल होम ब्रीडिंग के पप्पी अवेलेबल हैं मेरे पास में, किसी भाई को भी चाहिए तो मुझसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। मैं जीवाराम देवड़ा आपके बीच में बना रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे पप्पी हर घर में जाए और बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी करें। और हमारे डोबरमैन बहुत ही सीधे और अच्छे पप्पी निकलते हैं और सिक्योरिटी के तौर पे भी बहुत अच्छे रहते हैं और अलर्ट रहते हैं और अच्छा है बहुत ही। ये मैंने यहाँ अमरूद की कलम लगाई थी ताकि ये बड़ा हो जाए तो ये हमारे डॉग इसके नीचे आराम से छाया में खेल सके, ताकि धूप ना गिरे। और ये गर्मी के टाइम, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मौसम ठंडा रहता है, पौधों के हिसाब से हरियाली बहुत अच्छी छाई हुई है। इधर पीछे खूब पौधे लगे हुए हैं एकदम घने घने। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे और मैं एक डॉग लवर हूँ, मुझे डॉग रखना बहुत ही पसंद लगता है। और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा हाई फाई डॉग रखूँ, लेकिन इन डॉगों की सेवा मैं आराम से मेरे हिसाब से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी फ्रूट और वेजिटेबल की दुकान है तो थोड़ा बहुत उधर से अमाउंट हो जाता है, थोड़ा इनके अमाउंट से है, इनकी सेवा आराम से हो जाती है। और थोड़ा बहुत आप लोग भाइयों की सपोर्ट से सब कुछ अच्छा होता है और मेरा घर बार भी चल जाता है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब घाटा नफा तो आपको पता है होता रहता है, डॉग का काम ही ऐसा है। बड़े बड़े कैनल वाले भी एक बार तो हार मान लेते हैं, लेकिन मैं हार मानने वाला इंसान नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉग बहुत ही एक्टिव रहे और अच्छे रहे और इनके बच्चे हर घर में इंडिया के कोने कोने में पहुँचे और सबको अच्छी ब्रीडिंग के पप्पी मिले, अच्छे बच्चे मिले, ना कि क्रॉस ब्रीड। इसलिए मैंने अभी एक ज़्यादा यूरोपियन डोबरमैन की मांग ज़्यादा हो रही है, तो मैंने यूरोपियन डॉग डोबरमैन डॉग भी लेके आया हूँ और यूरोपियन फीमेल भी लेके आया हूँ अलग ब्लड से।
और फीमेल कैसे ही है और डॉग भी कैसे ही है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे ब्रीडिंग के पप्पी सभी को मिले, और बहुत ही हैवी होंगे पप्पी। और पप्पी अभी मेरे ये जो है लाया हूँ नए, तो वो एक मेल तो हुआ है 8 महीने का और फीमेल हुई है शायद 7 महीने की। तो ये कम से कम 1.5 साल के हो जाएंगे जब इनके मैं पप्पी लूँगा। और किसी भी भाई को चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मेरा नंबर 9660349134 है। और आशा करता हूँ कि सब अच्छे और तंदुरुस्त रहें, और मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं भी आप में से एक छोटा बंदा हूँ, छोटा नहीं समझते अपने आप को, लेकिन स्थितियाँ अभी घेर रखी है तो टाइम लगेगा मेरे को, अभी इस तरह से लड़ रहा हूँ मैं। चल रही है ज़िंदगी में दौड़ और रेस कर रहे हैं, और आपका प्यार हमें अच्छा मिल रहा है और आपकी सपोर्ट भी मिल रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे, और मैं अपने वीडियो को नहीं तो कोई एडिट करता ना कोई बात, डायरेक्ट अपने वीडियो डालता हूँ आपके पास में। एडिट करना मेरे को नहीं आता है, और अभी सुबह का टाइम है, अभी मैं उठा हूँ और अपने डॉगीज के लिए मैंने खाना तैयार कर चुका हूँ। अब इनको खाने देने की टाइम आ चुका है और खाना भी ये खाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे और मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरा जो चैनल है वो इंडिया के कोने कोने में जाएगा, और उससे सभी को पता चलेगा कि मैं भी डॉग रखता हूँ, और मेरे से संपर्क करेंगे और उनको मैं अच्छे ब्रीडिंग के पप्पी दूंगा, एकदम ओरिजिनल डोबरमैन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बच्चे। मेरे डोबरमैन देख सकते हो आप, डॉलर फ्रूटी, ये हमारा डॉलर है जो कि यूरोपियन बॉय है, और ये हमारी यूरोपियन गर्ल फ्रूटी है, अभी छोटी बच्ची है। और ये हमारे बहुत ही पुराने डॉग्स हैप्पी और नैन्सी, जो कि मेरे को बहुत ही प्यारे लगते हैं, और मेरे लिए सभी डॉग प्यारे हैं, लेकिन ख़ास करके जब मेरे फादर थे तो उस टाइम ये हमारा हैप्पी और नैन्सी का जोड़ा हम लेके आए थे। उस टाइम मेरे को धीरे धीरे डॉग रखने, और हमारे घर में एक बार चोर भी आ चुके थे तो हमने सोचा कि डॉग रखें, और इधर क्या है कि थोड़ा सुनसान रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए भी डोबरमैन अच्छा है और इसका कोट भी अच्छा रहता है। अगर डोबरमैन के कहीं चोट भी लग जाए तब भी आप पता लगा सकते हैं, इसलिए कोट में और सिक्योरिटी में और फिटनेस में डोबरमैन बहुत ही अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि आप भी डोबरमैन रखें, और डोबरमैन ब्रीड बहुत ही लाजवाब है सिक्योरिटी के तौर पे और फ्रेंडली के तौर पे। मेरी कम से कम 5 साल की नहीं 3 साल की बच्ची इनके साथ खेलती है, और कभी इन्होंने कुछ भी नहीं उसके साथ में किया। तो बच्चों के लिए भी डॉबरमैन बहुत ही अच्छा डॉबरमैन होता है। मैं नहीं कहता कि आप अलग ब्रीड नहीं पालो, लेकिन अलग ब्रीड पालो आप, लेकिन मैं डॉबरमैन की तारीफ इसलिए करता हूँ कि मेरे को फेवरेट है डॉबरमैन। इंडिया का फर्स्ट या वर्ल्ड का फर्स्ट डॉबरमैन ही एक ऐसी ब्रीड है डॉग्स में जो बहुत ही वफादार होती है, लेकिन हर डॉग वफादार होता है, लेकिन डॉबरमैन मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं डॉबरमैन की तारीफ करता हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका छोटा भाई जीवाराम देवड़ा आपसे अनुरोध करता है, और मुझे बताना कि मेरा वीडियो अपने भारत के कौन से स्टेट में देखा जाता है, और अपने अपने स्टेट का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मेरा वीडियो कौन कौन से स्टेट में देखा जाता है और किस किस को अच्छा लगता है। अगर कोई भी अगर आपको गलती लगे मेरी तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना। आपका जीवाराम फिर आपके साथ नया वीडियो लेके आएगा और अपने डॉगों को दिखाएगा। अभी क्या है कि थोड़ा बारिश का दौर है तो डॉग बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए उनको मैं कम बाहर निकालता हूँ। बारिश का माहौल है, गीले होते हैं और गीले के कारण उनको थोड़ा खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए मैं कम निकालता हूँ। थोड़ा सूखा रहता तो उनको घुमाता हूँ। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।